खुश आमदीद नाजरीन, शार्प इंडियंस न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जो रॉडी शीटर सुधर जाएगा इसकी शीट क्लोज की जाएगी और जो नहीं सुधरेगा इस पर पीडी एक्ट लागू किया जाएगा। साउथ ईस्ट जोन डीसीपी सीएच रुपेश ने आज बतारीख 8 जून बरोजे जुमेरात को मलकपेट डिवीज़न दबीरपुरा और चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद के तहत तमाम एक्टिव रॉडी शीटर और सस्पेक्टेड रॉडी शीटर्स और ऑफेंडर्स को बुलाकर तमाम की काउंसलिंग की गई। इस मौके पर डीसीपी ने तमाम रॉडी शीटर्स को अपने रवैये में तब्दीली लाने और आइंदा किसी भी तरह की मुजरिमाना सरगर्मियों से दूर रहने की हिदायत दी। इस काउंसलिंग में हिस्सा लेने वाले रॉडी शीटर्स को एक एक करके बुलाया गया और इनके खिलाफ रॉडी शीट ओपन होने की वजह तलब की गई। डीसीपी ने मजीद कहा कि जो लोग अपने मौजूदा काम और तर्ज अमल की बुनियाद पर बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं इनके बारे में आला हुकाम से नुमाइंदगी करते हुए इनकी रॉडी शीट को क्लोज किया जाएगा। उन्होंने शहर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए भरपूर ताउन करने वाले रॉडी शीटर्स के ओपन रॉडी शीट्स को भी बंद किया जाएगा। इस प्रोग्राम में एडिशनल डीसीपी जी मनोहर, मलकपेट एसीपी श्याम सुंदर और दीगर पुलिस के अहलकार भी मौजूद थे। पेश है शार्प इंडियंस न्यूज़ से ये खुसूसी रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सिटी पुलिस साउथ ईस्ट जोन में मलकपेट डिवीज़न का पूरा सारे राउडी शीटर्स और सस्पेक्ट शीटर्स को बुला के काउंसलिंग दिया गया है। इस काउंसलिंग में कुछ लोग उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड चेंज करके कुछ काम कर रहे हैं। उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उसका शीट्स क्लोज करेंगे। कुछ लोग अभी भी उसका तरीका चेंज नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सो एज़ पर ला पीडी एक्ट का प्रपोजल भी डालेंगे या और कुछ लीगली जो भी कर सकते हैं वो पूरा करके उसका एटीट्यूड में, उसका बिहेवियर में चेंज लेके आने के लिए कोशिश करेंगे। सो आने वाले दिन में हमको फेस्टिवल्स आ रहे हैं और इलेक्शंस भी आ रहे हैं। इस समय पर हम सब ट्रबल मांगर्स को और रॉडी शीटर्स को और सस्पेक्ट शीटर्स को वार्निंग दे रहे हैं हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से कि आपका पूरा तरीका चेंज करना है, पुलिस को कोऑपरेट करना है। किसी चीज़ में कुछ हो गया तो भी पुलिस वालों को बोलना है, नहीं तो हम लीगली जो करना है वो कर सकते करेंगे। और इस समय पे तमाम लोगों को दरख्वास्त कर रहा है कि हैदराबाद सिटी पुलिस का तरफ से आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा तो कोई रोडिज्म कर रहा है आपका गली में और आपका मोहल्ले में, कोई धमकी दे रहा है और कोई एक्सटार्शन कर रहा है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों को देना है। सो हम तुरंत एक्ट करके उस इन्फॉर्मेशन से वो रॉडी एलिमेंट्स को, एंटी सोशल एलिमेंट्स को जेल को भेजने के लिए भी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर। बीच में रॉडी शीटर्स को ऑनलाइन भी बुला रहे थे, मतलब कॉल के, वीडियो कॉल के जरिए भी काउंसलिंग की जा रही है, तो अभी भी वो चल रहा सर या फिर डायरेक्ट? नहीं, अभी तो पहले कोविड का कारण में कुछ किया होगा, बट अभी तो फिजिकल काउंसलिंग फिजिकली चेक कर रहा है एंड फ्रीक्वेंटली ये रॉडीज काउंसलिंग और शीटर्स काउंसलिंग करते ही जाएंगे। सो इसमें जो जो चेंज हो रहा है उसको क्लोज करेंगे, जो जो नहीं चेंज हो रहा है उसको भी नाम्स निकाल के, अभी हमारे पास पूरा लिस्ट निकाला है ऑलरेडी, तो इस लिस्ट का हिसाब से अभी आने वाला टाइम में और हिस्ट्री शीट्स रॉडी शीट्स ओपन ही हो जाएगा। जो पहले NDPS केस में था उसका डिटेल्स हमारे पास है, अभी आज काउंसलिंग दिया है और रॉडी शीट्स और हिस्ट्री शीट्स को, अभी वो हमको भरोसा दिया कि वो चेंज करके हमारा पुलिस इन्फॉर्मर जैसा बनता है बोल के। सो उसको अभी देखेंगे, उसका इन्फॉर्मेशन आते ही हम तुरंत एक्ट करेंगे। ये पूरा गांजा का भी हमारा थोड़ा एक दो कंप्लेंट्स आ रहा है, उसके हिसाब से हम